अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं तुरई, ऐसे सादा तुरई, गोश्त वोश कीमे में नहीं डाल रहे हम, सिर्फ तुरई भुनेंगे। ये 2 किलो तुरई है, ये 4-5 प्याज हैं और 2 टमाटर। ये हम काट के फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने तुरई काट ली, ये हमारी प्याज 4 गड्डी और ये हमारा सबसे पहले 2-3 हरी मिर्च और थोड़ा सा मेथी दाना और ये है हमारा ज़ीरा और काली मिर्च और ये है हमारी कुटी हुई मिर्च, ये है हल्दी, ये नमक, ये थोड़ा सा काला नमक और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और ये है हमारे टमाटर 2 अदद। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, इसके अंदर जाएगा ये मेथी दाना और 2-3 हरी मिर्च, ठीक है। इसको हम कड़कड़ाते और सादा सा खाना, बहुत मज़ेदार सा, कहते हैं सेहत 1000 नेमत की 1 नेमत है। अब सेहत इसी में है कि आप अल्लाह ताला की इजाद करी हुई चीज़ें खाएं, सादा खाएं, अल्लाह का शुक्र करें और अल्लाह सेहत इंशाल्लाह ज़रूर देता है। देखिए ये थोड़ा कड़कड़ा गया, अब इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा ये ज़ीरा और 2-3 काली मिर्च, ये गया कम से कम। इस पर मैंने 1 कप तेल लिया है क्योंकि तुरई में थोड़ा ज़्यादा जाता है। देखें अभी थोड़े से मसाले कितनी खुशबूएं आ रही हैं और ये हमने डाला प्याज। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, अब ये डाले हमने सब मसाले, ठीक, और ये हमने डाला टमाटर, ठीक, और ये हमने डाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुरई, ठीक है। टेंशन नहीं ले, ये ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा पानी से भरी हुई होती है, ये थोड़ी सी गर्म होगी तो फिर वो ज़रा सी बैठ जाएगी, ठीक है। अब ये होती है तो फिर हम आपसे मिलते हैं। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं दम पे, लेकिन मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर ये नहीं समझें कि ये बिल्कुल सादे से खाने हैं, ये नहीं, आप एक बार बनाएं उसका टेस्ट चेक करें, फिर मैं यही बोलती हूँ कि आप इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे, ठीक। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हमारी तुरई हो गई है जो हमने दम पे छोड़ी हुई थी, बस थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करेंगे और इसके साथ डालेंगे 1/2 लीमू का रस, ठीक है, आधा बस थोड़ा सा, और इसके साथ डालेंगे हम बहुत सारा पुदीना, इसमें धनिया नहीं जाता, इसमें पुदीना डालेंगे हम बहुत सारा, कम से कम आधी गट्टी। हमारी मज़ेदार सी तुरई तैयार है, बस तेल अलग हो जाए, अभी थोड़ा सा ये बुलबुले उठ रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा अभी पानी है, ये खुशक होता है तो फिर मैं इसको बस उतार लूँगी, बस 1 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद भूनूँगी। देखिए शक्ल देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में तो इतनी मज़ेदार सादा, हम इसको किस चीज़ से खाते हैं फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये हमारे देखो ये तेल निकल रहा है, बस हल्के से बुलबुले हैं जो हमने इसको ख़त्म करना है पाए।
और बिल्कुल ही तेज़ आँच पे, हल्की आँच पे नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर पानी का हमने एक कतरा भी नहीं डाला। ये अपने पानी में तुरई गल गई है, देखो कितनी फुल हो गई थी, अभी देखो कितनी सी बच गई है। देखिए जी, ये हमारी रोटी हो रही है, ठीक है, हमारी रोटी हो जाती है इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारी रोटी हो गई तैयार। ये हमारा खाना देखें, सादा सा खाना। अल्लाह ताला किसी को भी भूखा नहीं सुलाता है, लेकिन वो है कि बस इंसान को बस थोड़ी सी सादगी इख्तियार करनी पड़ती है। चपाती, ये तुरई का सालन, और ये सादा सा दही का रायता, और ये हमने प्याज काटा है, और ये हमारा अचार घर का बनाया हुआ। ठीक है, ये हमारा खाना, अब हम खाने जा रहे हैं, खाते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप खाएं, ऐश करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह किसी को भी भूखा नहीं रखता, अल्लाह ने ज़िम्मा लिया हुआ है इंसान का, जानवर का, चरिंद का, परिंद का, खाने का। बस आप शुक्र करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह। शेयर करें, लाइक करें, बहुत शुक्रिया भाई। देखें, एक हौसला अफजाई होती है, समझ लो हमारी मजदूरी होती है, आप ज़रूर देखें। ठीक है, चले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र।